नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी ऋषभ के साथ। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुलिस ने वाहन चोर को गिरफ्तार किया। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से अवैध हथियार भी बरामद हुआ है। अभियुक्तों पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर जेल भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि सहारनपुर थाना सदर बाजार में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर वाहन चोरों के एक गिरोह को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्त शातिर अपराधी है, जो कि पहले तो गाड़ी चुराते हैं और उसके बाद गाड़ी को सुनसान जगह पर ले जाकर उसके पार्ट को काटकर स्क्रैप बनाते थे। उसके बाद ये लोग सारा सामान और स्क्रैप दिल्ली और मेरठ के बाज़ारों में बेच देते थे। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से एक सेंट्रो गाड़ी भी बरामद की है और अभियुक्तों की निशानदेही पर अन्य गाड़ियों का कटा हुआ सामान भी बरामद किया है। आवासीय चौकी क्षेत्र में एक वैगनार कार चोरी हुई थी और उसमें जब पुलिस ने पड़ताल करी तो कुछ सीसीटीवी जो है आसपास के जितने, चूँकि आपको मालूम है सीसीटीवी उस जगह पर काफ़ी लगे हुए हैं, तो एक गाड़ी जिससे ये घटना जिससे घटना खरीद की गई थी उसका नंबर आया। उसको ट्रेस करते करते हमें पता लगा कि वो गाड़ी भी चोरी की है जिससे ये घटना करी गई है और इसमें लगभग पिछले एक महीने से हमारी पुलिस लगी हुई थी। तो इसमें सब इंस्पेक्टर प्रदीप यादव, सब इंस्पेक्टर असगर अली और इनकी टीम ने SHO सदर बाजार के निर्देशन में पूरे गैंग का पर्दाफाश किया है, जिसमें इन्होंने हमारे यहाँ से चोरी गई एक वैगनार और एक सेंट्रो जो पहले भी चोरी हुई थी हसनपुर थाना क्षेत्र से, उसके इंजन जो कि जो है लिंक कर लिया गया है और ये दोनों बरामद करी है। प्लस साथ में जिस कार से इस घटना को अंजाम दिया जा रहा था उसको भी इन्होंने बरामद किया है। कुछ और भी हमको क्लूज मिले हैं और साथ में जो कुछ इंजन वगैरह मिला है उस पर कुछ नंबर वगैरह उसको पीटा गया है, उसको विरूपित करने का प्रयास किया गया। तो और जो चीज़ें मिली हैं उनके बारे में हम जानकारी करवाएंगे कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला से, तो उनको जानकारी मिलेगी कि घटना कहाँ कहाँ किस वाहनों के साथ करी गई थी। तो इससे एक बड़े गैंग का खुलासा हो जाएगी पूरी संभावना। दस्तक टीवी के लिए सहारनपुर से अबरार अहमद की रिपोर्ट। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दस्तक टीवी।